वेरी गुड मॉर्निंग. कन्फेशन एविडेंस एक्ट हम लोग कर रहे हैं. एविडेंस एक्ट में ऑलमोस्ट हमने सेक्शन आपका 25 कर लिया. 25 किया था कि कन्फेशन टू द पुलिस. ठीक है, जो पुलिस को बेसिकली कन्फेशन देते हैं वो कन्फेशन रिलेवेंट नहीं है सेक्शन 25 में. लेकिन सेक्शन 26 जो इम्पोर्टेंट है वो है कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी. यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है पुलिस की कस्टडी. यहाँ पे ये वो लिखा है कि आप पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन कर रहे हो. किसको कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर यहाँ पे पुलिस की कस्टडी में, अगर आप पुलिस की कस्टडी में हो, अगर किसी को भी आप कन्फेशन करोगे तो वो सेक्शन 26 में फॉलो करेगी और वो रिलेवेंट नहीं होगी. राइट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो पुलिस कस्टडी है क्या सेक्शन 25 में. जो सॉरी सेक्शन 26 का बेसिकली पर्पस है वो उसकी कस्टडी को लेके है. क्योंकि कस्टडी में अगर कोई भी पर्सन पुलिस की कस्टडी में है तो डेफिनेटली वो यही माना जाएगा कि हाँ भी शायद जो पुलिस वो थ्रेट ना कर दे उसको या टॉर्चर ना कर रही हो. तो वो एक पर्पस है कि हाँ भी हम लोग अगर अब जनरली भी हम लोग सेक्शन 25 की अगर बात करें तो कन्फेशन टू द पुलिस पर्सन इज नॉट रेलेवेंट. इन द सेम वे कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी इज ऑल्सो नॉट रेलेवेंट. ठीक है जी. So no confession made by any person, no confession made by any person while he is in custody of the police officer, unless it is made in the immediate presence of the magistrate. ठीक है जी. यहाँ पर एक exception भी है. General rule क्या है? General rule ये है कि confession in police custody is irrelevant. But exception क्या है? ठीक है जी, ये एक्सेप्शन है. अगर आप पुलिस की कस्टडी में हो बट अगर आप कन्फेशन कर रहे हो उस समय मैजिस्ट्रेट वहां पर प्रेजेंस था. राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली मैजिस्ट्रेट का वहां पर प्रेजेंस होना सेक्शन 26 की एक्सेप्शन में फॉल करता है. तो ये माना जाएगा कि बेसिकली जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट है. ठीक है जी. ऑल्दो चाहे वो पर्सन कन्फेशन करते समय वो पुलिस कस्टडी में क्यों ना हो. लाइक सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर ए को पकड़ा गया पुलिस पर्सन द्वारा, वो पुलिस स्टेशन ले गया उसको, वहां पर जो मैजिस्ट्रेट था वहां पर पहुंच गया. ठीक है जी. नॉर्मली रूटीन में पहुंच गया, एक्सेप्शन जो बेसिकली इंक्वायरी वगैरह किसी और केस की करी थी वो वहां पर पहुंच गया. जब वो वहां पर पहुंचा तो बेसिकली उस पर्सन ने पुलिस को कन्फेशन की. ठीक है जी, पुलिस को कन्फेशन की, वहां पर मैजिस्ट्रेट वहां पर प्रेजेंट था. तो ये माना जाएगा कि वो कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट है. ठीक है जी, ये इसका पर्पस है. नाउ बेसिकली जहाँ जो प्रॉब्लम वाली जो आती है विशेष को स्टूडेंट्स को वो आती है कस्टडी का मतलब क्या है. क्योंकि पुलिस कस्टडी को लेके मेन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली आते ही पुलिस कस्टडी को लेके. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पुलिस कस्टडी है क्या. कस्टडी का बेसिकली मीनिंग अगर मैं बात करूं तो द वर्ड कस्टडी डज नॉट मीन द फॉर्मल कस्टडी. ठीक है जी, इसमें एक बात है. ये फॉर्मल कस्टडी जो वर्ड होता है ना हमारा, जरूरी है वो पर्सन फॉर्मल कस्टडी में हो कि वो पुलिस स्टेशन में हो, लॉकअप में पाबंद किया हो. ठीक है जी, तो ये जरूरी नहीं है कि डेट ही पर्सन द अक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी लॉक्ड बिहाइंड द पुलिस बार, जरूरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि फॉर्मल का मतलब ये है. अगर अदरवाइज ये कस्टडी को हम लोग डिफाइन करें तो इसमें पहले हम लोग यही बोलेंगे कि कस्टडी डज नॉट मीन द फॉर्मल कस्टडी. अगर हम फॉर्मल कस्टडी को एक्सक्लूड करेंगे ना तभी बेसिकली इसकी लैंग्वेज कंप्लीट होगी कस्टडी का मतलब क्या है. ठीक है, अब फर्दर अगर देखें but include such a state of affairs in which the accused can be said to have been in the hands of a police officer or can be said to have been under the sort of surveillance or restriction. ठीक है, यहाँ पर surveillance word use कर रहा हूँ मैं.
डिटेल। यहाँ पर स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात करें हम लोग, स्टेट ऑफ माइंड की पसंद। अगर किसी को लग रहा है कि मैं अंडर द सर्विलेंस ऑफ पुलिस कस्टडी हूँ, लाइक पुलिस मेरे पे निगरानी रख रही है, तो वो भी पुलिस कस्टडी के फॉल करेगा। ऑल्दो वहाँ पे पुलिस प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम, ठीक है जी, एट द टाइम वहाँ पे पुलिस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर वो सर्विलेंस में है, अगर वो पर्सन रिस्ट्रिक्शन में है, तो भी वो पुलिस कस्टडी है, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल हम फर्दर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये इंपॉर्टेंट है कि कस्टडी डज नॉट मीन द फॉर्मल कस्टडी, ठीक। कस्टडी मीन्स अगर वो पर्सन सर्विलेंस में है या अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पुलिस कस्टडी है, तो वो भी हम लोग बेसिकली पुलिस कस्टडी ही मानेंगे, ठीक है जी। नाउ पुलिस कस्टडी मीन्स द पुलिस कंट्रोल, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस कस्टडी मीन्स पुलिस कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर है तो पुलिस कस्टडी को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि यहाँ पर पुलिस का कंट्रोल होगा। यहाँ पर भी पुलिस का कंट्रोल है, क्योंकि वो पर्सन सर्विलेंस में है, वो उसको चेक है कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे पुलिस शायद मेरा पीछा कर रही होगी, वो अंडर सर्विलेंस में है, अंडर वो रिस्ट्रिक्शन में है। पुलिस ने कह दी कि आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, हम वहाँ पर निगाह रख रहे हैं, तो वो अंडर रिस्ट्रिक्शन है, तो मीन्स वहाँ पर पुलिस का कंट्रोल है, उसके ऊपर पुलिस का कंट्रोल है। तो वो जरूरी है कि एट द टाइम जब वो कन्फेशन कर रहा था, तब वहाँ पर जो पुलिस वहाँ प्रेजेंट थी या नहीं, इट इज इमटेरियल अंडर सेक्शन 26। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द पुलिस कस्टडी, एंड व्हाट इज पुलिस कस्टडी मींस द पुलिस कंट्रोल। एक बात तो क्लियर होगी, मतलब पुलिस का वहां पर होना इम्पोर्टेंट नहीं। अदरवाइज हम लोग अगर नॉर्मल बात करें तो पुलिस कस्टडी मीन्स उसको कस्टडी में होना चाहिए, ठीक है। बट अगर बात करें वहां पुलिस कंट्रोल है सिर्फ, ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है मान ली। सो पुलिस कस्टडी मीन्स द पुलिस कंट्रोल इवन इफ बी एक्सरसाइज इन ए होम। अगर वो पर्सन जिसने कन्फेशन किया है, अगर वो उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, पुलिस आपके ऐसे जो है वो पहरा दे रही है आपके घर के आसपास, तो वो भी पर्सन पुलिस कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है जी। तो वो पुलिस कस्टडी ही मानी जाएगी, इंपॉर्टेंट है वो पुलिस कस्टडी ही मानी जाएगी, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट है, तो पुलिस कस्टडी मीन्स द पुलिस कंट्रोल इवन इफ बी एक्सरसाइज इन ए होम इन एन ओपन प्लेस और इन कोर्स ऑफ जर्नी और एंड नॉट नेसेसरी इन द वॉल्स ऑफ द प्रिजन, एंड नॉट नेसेसरी इन द वॉल्स ऑफ प्रिजन, ठीक है जी। अब ये बात क्लियर कर रही है हमारी कि जरूरी नहीं है कि वो जेल में बंद हो, अंडर द वॉल्स ऑफ द प्रिजन, यहां पर जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी इन द वॉल्स ऑफ द प्रिजन। अब ये बात क्लियर है, मींस पुलिस कंट्रोल होना चाहिए इसके यहाँ पे, ठीक है जी। नाउ द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज नॉट नेसेसरी। अगर हम पुलिस कंट्रोल की बात करें तो ये बात फैक्ट तो क्लियर हो गया ना हमारा कि पुलिस वहां पर इमीडिएटली उसकी प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। So long as the accused persons are aware that the police where they are detained is really accessible to the police. उसको उसके मन में basically डर होना चाहिए कि मैं जहां पे खड़ा हूं या जहां पे जाऊंगा तो definitely मुझे पुलिस देख रही होगी, जहां पुलिस का मेरे ऊपर कंट्रोल है, तो वो पुलिस कस्टडी ही मानी जाएगी। Although वहां पे पुलिस प्रेजेंस नहीं है, ठीक है जी। तो आज चार पांच हम लोग पॉइंट करते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर पुलिस कस्टडी को फर्दर एलैबोरेट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो हम लोग पांच पॉइंट करेंगे उसमें से मेन क्वेश्चन काफी आ चुके हैं, ठीक है जी, पंजाब में हरियाणा में नंबर ऑफ टाइम्स आवा। कन्फेशन जो इरेलीवेंट है हमारे लिए, वो कन्फेशन जो इरेलीवेंट है, डैट मीन्स वो कन्फेशन चाहे वो पुलिस की प्रेजेंस में ना की गई हो, लेकिन वहाँ पर पुलिस का कंट्रोल है। अगर वो पुलिस का कंट्रोल है तो डेफिनेटली तभी हम कहेंगे कि वो कन्फेशन इरेलीवेंट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो पुलिस कस्टडी मानी जाएगी, चाहे वहाँ पर पुलिस प्रेजेंस नहीं थी,
लेकिन उसको डर था ही, मैं अंडर सर्विलेंस हूँ, अंडर रिस्ट्रिक्शन हूँ, मुझे पुलिस देख ली होगी, तो इसलिए कुछ कन्फेशन ऐसी हैं जो हम लोग इरेलीवेंट मान के चलेंगे क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में फॉल करेंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई पर्सन अपने जो फेलो प्रिजनर्स होते हैं जिस पुलिस स्टेशन में आपको लॉक करके रखा हुआ है, उस कमरे में आपके साथ एक दो पर्सन और भी होंगे, ठीक है, क्योंकि वो फाइव स्टार होटल तो है नहीं कि आपको एक रूम प्रोवाइड किया जाएगा एक पर्सन के लिए, ठीक है। पुलिस लॉकअप है, ऑब्वियसली वहाँ पर एक रूम में चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। अगर आप कन्फेशन कर रहे हो अपने फेलो प्रिजनर्स को, पुलिस को तो नहीं ना कर रहे, फेलो प्रिजनर्स को कर रहे हो, राइट, बट वो पुलिस कस्टडी ही मानी जाएगी क्योंकि वो अंडर द सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ही है ना, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है जी। तो डेफिनेटली वो बेसिकली क्या है, पुलिस कस्टडी है, चाहे आप पुलिस वहां पे थी नहीं आसपास, जब आपने आपने दो फेलो प्रिजनर्स को आपने कन्फेशन की वहां पे पुलिस मौजूद नहीं थी, बट वो पुलिस कस्टडी मानी जाएगी। अगर आप सपोज ए ने बी को कन्फेशन कर दी जो उसका फेलो प्रिजनर था कि मैंने तो भाई सी का मर्डर कर दिया, तो बी कोर्ट में जाके ए के अगेंस्ट कन्फेशन प्रूफ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बेसिकली जब ए ने कन्फेशन दी थी एट देन ही वॉज इन द पुलिस कस्टडी एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस, सो द कन्फेशन टू बी इज इरेलेवेंट, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, जब आप कन्फेशन डॉक्टर को दे रहे होते हो, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है रूम के अंदर, ट्रीटमेंट कर रहा है हॉस्पिटल में, पुलिस पर्सन जो गेट के बाहर खड़े होते हैं, ऑब्वियसली वो अंदर नहीं आते, ठीक है जी, बिल्कुल गेट के बिल्कुल पास में बाहर खड़े होंगे, तो वहां पर प्रेजेंस है पुलिस की, वहां पर प्रेजेंस तो है लेकिन वो रूम के बाहर है, और आप किसको कन्फेशन कर रहे हो, डॉक्टर को। अब नॉर्मली अगर हम लोग बात करें वो तो डॉक्टर को कन्फेशन कर रहा है, वो अंडर थ्रेट नहीं है, वो अंडर इंड्यूसमेंट नहीं है, राइट। अगर हम सेक्शन 24 की बात करें वो अंडर थ्रेट इंड्यूसमेंट वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो वॉलंटरली बता रहा है डॉक्टर को, लेकिन सेक्शन 26 कह रहा है कि वो पुलिस कस्टडी है क्योंकि पुलिस वाला बाहर खड़ा है उसको लेके जाने के लिए, ये ट्रीटमेंट दो, इंजेक्शन दो, जो बैंडेज वगैरह करनी है वो करो, मैं लेके जाऊँ, तो बेसिकली वो क्या है, पुलिस कंट्रोल ही है ना, तो पुलिस कस्टडी मानी जाएगी। इसलिए डॉक्टर को अगर हम दे रहे हैं तो ये केस था एम्परर वर्सेस केस था जी, एम्पर वर्सेस मलंगा वोडा। इस केस में कोर्ट ने सिर्फ इतने हेल्ड किया था कि अगर आप कन्फेशन डॉक्टर को कर रहे हो और इमीडिएटली वो जो पुलिस पर्सन है वो आउटसाइड द रूम खड़ा है, बाहर खड़ा है, तो ये जो डॉक्टर को अगर आप कर रहे हो कन्फेशन ड्रेस कर रहे हो वो कन्फेशन अंडर द पुलिस कंट्रोल ही मानी जाएगी, तो वो सेक्शन 626 में इरेलीवेंट होगी, डॉक्टर उसके अगेंस्ट अक्यूज के अगेंस्ट वो कन्फेशन प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये सेकंड पॉइंट था हमारा। तो ये सारी कन्फेशन इरेलीवेंट होंगी, ठीक है जी। फर्दर यहाँ पे कन्फेशन अगर आप कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन को कर रहे हो, ठीक है जी, लेकिन ओवरहर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर है, तो मैंने सेक्शन 24 में भी आपको ये बताया था, सेक्शन 25 में हम लोग बात कर रहे थे तब, तो मैंने सेक्शन 25 में आपको ये इलेबोरेट किया था इसका कि अगर पुलिस पर्सन वहाँ पे प्रेजेंस है
तो हमने वो टू दो हिस्से में डिवाइड किया था कि अगर ए और बी दोनों होटल में बैठे हैं और सी पुलिस वाला वहाँ पे दूसरे टेबल पे बैठा है और उसका पर्पज़ ये है कि हाँ भी बेसिकली वो उसको कन्फेशन देगा और मैं उसको पकड़ दूंगा, दैट मीन्स वो पर्सन अंडर द सर्विलेंस है। तो अगर उस समय वो कन्फेशन कर रहा है अपने फ्रेंड को, तो अगर वो सुन लिया, ओवरहर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अगर वो सुन लिया तो वो कन्फेशन अंडर द पुलिस कस्टडी में आ जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे पुलिस कंट्रोल है। लेकिन अगर अदरवाइज अगर ए और बी नॉर्मली बैठे हैं और सी जो पर्सन है पुलिस ऑफिसर वो जेनुअली अगर वैसे नॉर्मली तरीके से वहाँ पे गया, उसको पता नहीं था कि ए बी ए बेसिकली अक्यूज्ड है, वो अपनी चाय पीने गया था, वो अपनी चाय पीने गए हैं, ए ने बी को बता दिया कि मैंने सी का कत्ल कर दिया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया कि बेटा कर लिए तो आ जाओ, मेरी चाय पी ली होगी अब चलते हैं, तो उसको अरेस्ट किया गया, पुलिस ने कोर्ट में गवाही दी थी कि मैंने सुन लिया, इसने कन्फेशन किया था बी को और मैंने ऑर्डर कर लिया, कोर्ट कहती है बेसिकली ये कन्फेशन रेलेवेंट है क्योंकि वहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं था, आपका पुलिस कंट्रोल नहीं था, आपको कोई डर नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि पुलिस वाला मेरे पास बगल में बैठा हुआ। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो पर्सन स्पेशली अपॉइंट किया गया पुलिस ऑफिसर आपके लिए जो आपका पीछा कर रहा है, तो आप अंडर सर्विलेंस में हो, आप अंडर द पुलिस कंट्रोल में हो, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगी कन्फेशन, ठीक है जी। सो कन्फेशन मेड टू अ पर्सन वाइल इन पुलिस कस्टडी ओवरहर्ड बाय पुलिस ऑफिसर इज टोटली इरेलीवेंट, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, या जो फोर्थ पॉइंट है ये केस से रिलेटेड है, आर वर्सेस जैस्टर का केस है। फोर्थ पॉइंट है आर वर्सेस जैस्टर, अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया गया पुलिस पर्सन द्वारा, ठीक है जी। जब पुलिस पर्सन ने उसको अरेस्ट किया ए को, तो वो पुलिस स्टेशन के लिए उनको जाना था, तो उन्होंने टांगा पकड़ लिया, टांगे पे लेके उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है। अब रास्ते में अक्यूज ने अपनी जो इच्छा थी वो जाहिर की कि यार प्लीज आप दो मिनट रुको, मैं ना जाके सिगरेट लेके आता हूँ। तो पुलिस कहता है यार चलो ठीक है लेके आओ, एक मेरे लिए भी ले आना, मैं यहीं पर बैठा हूँ टांगे पे, आप ले आओ। अब वो पुलिस जो पर्सन था अक्यूज पर्सन था वो शॉप पे गया, शॉप वाले को कन्फेशन कर रहा है, राइट, टांगे से निकला शॉप पे गया सिगरेट लेने के लिए, शॉप वाले को वो कन्फेशन कर रहा है। अब वो शॉप वाला आगे प्रूव नहीं कर सकता कोर्ट में कि इसने कन्फेशन किया क्योंकि देन ही वॉज अंडर द पुलिस कंट्रोल, ही वॉज इन द पुलिस कस्टडी, ठीक है जी। तो ये छोटे सा फर्क है जिसमें हम लोग उसकी कन्फेशन इरेलेवेंट मानते हैं, ठीक है। So while the accused being carried on a tanga was left alone by the policeman, policeman ने वहीं पे छोड़ दिया in the custody of tanga driver and he told of his criminal, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, आर वर्सेस लॉस्टर में इसमें क्या होगा, पुलिस वाला गया था शॉप में, ठीक है, और उसने उसकी कस्टडी टांगे वाले को दे दी ड्राइवर को कि इसको पकड़ के रखना, मैं अभी आया सिगरेट लेने। तो वो पुलिस वाला सिगरेट लेने गया, उसने टांगे वाले को बता दिया, कन्फेशन कर दिया और टांगे वाला आगे कोर्ट में खड़ा हो गया कि भाई इसने तो कन्फेशन की है। तो कोर्ट कहती है देन पुलिस वाला चाहे वहां पे प्रेजेंस नहीं था लेकिन वो अंडर द पुलिस कंट्रोल है, तो इसलिए वो जो कन्फेशन है वो इरेलेवेंट है, ठीक है जी। लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट हमारा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, जो फिफ्थ पॉइंट है बेसिकली वो अप्रिहेंड बाय द पुलिस विलेज पंचायत, इसमें क्या हुआ बेसिकली कि एक वोमन को अरेस्ट किया गया कि आपने अपने अपने एक लड़के का कत्ल कर दिया। तो इमीडिएटली जब उसने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसको पकड़ा गया, किसने पकड़ा, गांव वालों ने पकड़ लिया। और गांव वाले का जो पकड़ा तो वो उसमें वहां पे जो चौकीदार था, चौकीदार को कहा गया विलेज पंचायत द्वारा कि आप जाओ पुलिस को लेके आओ, आप जाओ पुलिस को लेके आओ। चौकीदार जी आप वो गए पुलिस स्टेशन पुलिस को लेके आने के लिए, यहाँ पर पीछे जो लड़की थी जिसको पकड़ा गया था उसने कन्फेशन कर दी विलेज पंचायत को, प्रधान को, मेंबर को,
उनको कन्फेशन कर दी, ठीक है जी। उस समय पुलिस तो थी नहीं, थी वहां पे पुलिस नहीं थी ना, लेकिन उसको डर तो था ना क्या पुलिस आने वाली है। तो इस केस में भी बेसिकली कोर्ट ने कहा था कि ये जो कन्फेशन है वो अंडर द पुलिस कस्टडी मानी जाएगी। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं बेसिकली जो पुलिस कस्टडी को एलैबोरेट करते हैं, उसकी सेंस जो है अदरवाइज उसकी हम सेंस देखें तो वो छोटी सी सेंस है पुलिस कस्टडी, लेकिन उसको सेक्शन 26 को एलैबोरेट करेंगे तो उसकी सेंस ज्यादा रहती है, ठीक है। थॉट्स ज्यादा हमारे होते हैं कि इसके ये भी कवर हो जाएगा, इसमें ये भी कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था, अ वुमन अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ अ यंग बॉय वॉज लेफ्ट इन द कस्टडी ऑफ द विलेजर्स वाइल द चौकीदार हु अरेस्टेड हर, जिस चौकीदार जिसने अरेस्ट किया था, लेफ्ट फॉर द पुलिस स्टेशन, शी कन्फेस्ड इन हिज एब्सेंस। तो उसने पीछे कन्फेशन कर दी गांव वाले को, तो ये कन्फेशन इरेलेवेंट मानी जाएगी क्योंकि एट देन ही वॉज अंडर शी वॉज अंडर द सर्विलेंस, ठीक है जी। उसको डर था कि यहाँ भी पुलिस आने वाली है, तो वो डर के मारे जो कन्फेशन दे थी वो सेक्शन 24 में फॉल करेगी और अदरवाइज सेक्शन 26 में पुलिस कस्टडी में भी फॉल करेगी, दोनों तरफ फॉल करेगी। क्योंकि उसने वो डर गई थी क्योंकि अंडर द थ्रेट उसने कन्फेशन दे दिया तो पुलिस आने वाली है, तो वो कन्फेशन इरेलेवेंट मानी गई, ठीक है जी। ये था हमारा सेक्शन 26। सेक्शन 26 पूरा डिपेंड करता है पुलिस की कस्टडी पे, तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि पुलिस कस्टडी क्या है वो आपको बताना चाहिए। तो पुलिस कस्टडी डज नॉट मीन द फॉर्मल कस्टडी, वो पहले हमने एक्सक्लूड कर दिया कि फॉर्मल जो पुलिस कस्टडी डज नॉट मीन द फॉर्मल कस्टडी, इट इंक्लूड द पर्सन हु इज अंडर द सर्विलेंस और अंडर द सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अगर वो डर में है, अंडर रिस्ट्रिक्शन में है, अगर वो अंडर द सर्विलेंस है कि मुझे पकड़ लेगी पुलिस, मुझे पकड़ लेगी, वो डर जो है बेसिकली वो पुलिस कंट्रोल है। इफ इट इज अ पुलिस कंट्रोल दैट मीन्स वी इसको जो हमने बांधे वो पुलिस बेसिकली वो कस्टडी है, ठीक है जी। ऑल्दो द प्रेजेंस जो है वो पुलिस ऑफिसर की इस सेक्शन 26 में इरेलेवेंट है, ठीक है, वहां पर प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। लाइक इन केस ऑफ आर वर्सेस लेस्टर का वो केस इंपॉर्टेंट था, इसमें पुलिस वो पर्सन था वो उसने अक्यूज की कस्टडी किसको दे दी, टांगे वाले के ड्राइवर को, और खुद चला गया सिगरेट लेने और उसने टांगे वाले को बता दिया कन्फेशन, वो कन्फेशन नहीं मानी जाएगी क्योंकि एट देन ही वाज अंडर द पुलिस कंट्रोल, ठीक है जी। तो ये सारी इरेलेवेंट है, सेक्शन 26 इज ऑल ओवर, ठीक है जी। सेक्शन 27 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सेक्शन 25 में हमने क्या किया था, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी। सेक्शन 26 में क्या था, कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी, तो पुलिस कस्टडी मींस द पुलिस कंट्रोल, ठीक है, वो हमने पहले कर लिया। सेक्शन 27 मींस हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज, मींस अक्यूज यहां पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कन्फेशन कर रहा है, ठीक। अब वो कन्फेशन की स्टेटमेंट में सारी कन्फेशन अगर हम वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेक्शन 25 और 26 सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि वो पुलिस को दे रहा है इसलिए वो कन्फेशन रिलेवेंट नहीं है। तो ये मतलब बेसिकली कि वो सारी कन्फेशन जो उसने पुलिस को की वो सारी इरेलेवेंट होगी, कुछ पार्ट उसको यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पर अगर बात करें तो अक्यूज्ड ने इंफॉर्मेशन दी है पुलिस वाले को, मींस कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, ठीक है जी। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है तो डेफिनेटली हम ये उसमें से देखेंगे कि वो कितनी इंफॉर्मेशन हम लोग उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं और कितनी नहीं। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल, ए ने पुलिस को इन्फॉर्म किया दैट आई किल्ड माई वाइफ विद द नाइफ, जो चाकू था उससे मैंने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया, वो चाकू है वो नाइफ है वो मैंने अपने ट्रंक में छुपा कर रखा हुआ है। द थिंग इज ये स्टेटमेंट थी, उसने क्या कहा, उसको मैंने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया और जो नाइफ था चाकू से मैंने उसका कत्ल किया वो मैंने उसको ट्रंक में छुपा के रखा है।
तो वो जो कन्फेशनल पार्ट है वो इरेलीवेंट है क्योंकि वो पुलिस को दिया है, ठीक है जी। वो कौन सा पार्ट था, मैंने अपनी वाइफ को चाकू से मारा, उसको रीड आउट नहीं करेंगे, वो टोटली इरेलीवेंट है, ठीक है। लेकिन जो चाकू है मैंने उसको छुपा के रखा गया है, और वो जब चाकू जो नाइफ है अगर वो रिकवर्ड हो गया तो वो जो रिकवर्ड हुआ है वो अक्यूज के अगेंस्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है सेक्शन 27 में कि कुछ ना कुछ रिकवरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रिकवरी होनी चाहिए। अब वो रिकवरी हो कैसे रही है, अक्यूज की इंफॉर्मेशन से। देखो सिंपल सी बात है, वो जो नाइफ था जो उसने ट्रंक में रखा था पुलिस को कैसे पता लगा, अदरवाइज अगर वो अक्यूज ना उसको बताता पुलिस को, क्या पुलिस वगैरह अपने आप उसको फाइंड आउट कर सकती थी, डिस्कवर कर सकती थी, रिकवर कर सकती थी? पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रंक में पड़ा है। अब वो जाएगा पुलिस वाला, वो अकेली के लिए चीज तो वो देखेगा नहीं घर में, तो वो जो फैक्ट था कि उसको ट्रंक में रखा गया वो किसको पता था, सिर्फ अक्यूज को, और अक्यूज के अलावा किसी को नहीं पता था, ना ही वो फाइंड आउट किया जा सकता था। अगर वो अक्यूज नाम बताता पुलिस को तो पुलिस उसको रिकवर ही नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर उसकी इंफॉर्मेशन से कोई चीज रिकवर हुई है तो वो रिकवरी है, वो फैक्ट है, और वो अगेंस्ट दिस अक्यूज पर्सन वो हम लोग साबित कर सकें, सिर्फ रिकवरी नॉट द स्टेटमेंट, ठीक है जी। जो उसने बताया था कि हाँ भी वो जो नाइफ है वो मैंने ट्रंक में छुपा के रखा है, वो स्टेटमेंट रिलेवेंट है अंडर सेक्शन 27, ऑल्दो इट इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कन्फेशन किसको दे रहा है, पुलिस ऑफिसर को, लेकिन वो कन्फेशन स्टेटमेंट इरेलीवेंट है, लेकिन उसके बिहाफ पे जो रिकवरी हुई है वो रिलेवेंट है, ठीक है। मीन्स डिस्कवरी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और, जो यहां पर रिकवरी हो रही है, सपोज यहां मैं थोड़ा सा फैक्ट चेंज कर रहा हूं, ए ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैंने बी का कत्ल कर दिया, ठीक है, मैंने बी का कत्ल कर दिया, और जो स्वॉर्ड थी मीन तलवार वो मैंने रोड पे फेंकी हुई है, वो मैंने रोड पे फेंकी हुई है, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया कि तू तो आ जा, तेरे को तो अरेस्ट कर लेता हूँ। अब वहां पे चले, वहां पर गए रोड पे, वहां पे जो स्वॉर्ड थी वो रिकवर हो गई, तो पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया, ठीक है जी। अब कब्जे में ले लिया तो उसके बाद उसका रफ स्केच तैयार किया गया स्वॉर्ड का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग करते हैं, ठीक है, उसका स्केच बनाते हैं, क्योंकि बाद में अगर अक्यूज का जो काउंसिल है वो क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी रिकवरी के रिगार्डिंग, कि तलवार का साइज कितना था, कितनी चौड़ी थी, कितनी लंबी थी, उसका मुट्ठा कैसा था, तो क्वेश्चनिंग होती है, तो इसलिए पुलिस वाले पहले उसको रफ स्केच उसका प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, पेपर पे रख के पेंसिल से उसका रफ स्केच प्रिपेयर करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ए ने पुलिस को क्या इन्फॉर्म किया कि मैंने बी का कत्ल कर दिया है और जो स्वॉर्ड थी वो रोड पे फेंकी हुई है। अगर आप यहां पे देखो कि अगर वो पर्सन पुलिस को इन्फॉर्म ना करता तो क्या वो स्वॉर्ड रिकवर हो जाती इजीली, यार रोड पे पड़ी है, एक्सेसिबल टू द पब्लिक है, कोई भी पर्सन फोन कर सकता था, ये भी फोन इसमें ब्लड लगा हुआ, यहाँ पे तलवार पड़ी है, आप देख लो आगे, तो वो तो एक्सेसिबल टू द पब्लिक है ना, इसलिए वो रिकवरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि विजिबल टू अदर है, ठीक है, एक्सेसिबल टू द अदर है, वो इजी सब देखते हैं, एक्सेसिबल रोड एक्सेसिबल है सबके लिए, अब वो सबको दिख भी रहा है तो वो डिस्कवरी नहीं है। डिस्कवरी सेक्शन 27 में क्या है, जो वो प्लेस जो एक्सेसिबल टू अदर्स ना हो, सिर्फ आपको पता हो, सिर्फ आपको पता हो, आपके माइंड में है, आपको पता ही वहां पर छुपा कर रखी, किसी और को पता ही नहीं है, अगर वो रोड पे पड़ी है वो सेक्शन 27 फॉलो नहीं करेगी। ऑल्दो आपने कन्फेशन की, वो कन्फेशन तो वैसे भी रिलेवेंट नहीं है, और आपकी कन्फेशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो स्वॉर्ड रिकवर भी हो गई वो भी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो रोड पे पड़ी थी, ठीक है जी। मैं फर्दर अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर ए ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैंने स्वॉर्ड से बी का कत्ल कर दिया है, बी का कत्ल कर दिया है, और जो स्वॉर्ड है वो मैंने रोज गार्डन में पार्क में रखी हुई है, पार्क में रखी हुई है। अब यहां पर पॉइंट है कि पार्क में कहां पर रखी हुई है, अगर बिहाइंड द बुशेस है, झाड़ियों के पीछे है, तो वो एक्सेसिबल नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। अगर आप जा रहे हो घूमने, आप झाड़ियों को तो नहीं देखते रहते, पॉसिबल नहीं है, आप तो रोड के जो उसमें पाथ बना था आराम से घूमने जाते हो, वापस आए थे,
कोई पर्सन झाड़ियों को नहीं देखता कि यहाँ पे कुछ ना उसने छुपा के नहीं रखा, ये फैक्ट है हमारा, ठीक है। अगर उसने जनरली तौर पर गाँव में फेंक दी, अगर वहाँ पे जनता जा रही है उसको देख रही है, पीपल देख रहे हैं कि हमें वो स्वॉर्ड पड़ी है, तो वो डिस्कवरी नहीं है। लेकिन अगर उसने वो स्वॉर्ड बिहाइंड द बुशेस छुपा के रखी हुई है तो वो सिर्फ उसी को पता है ना, तो वो डिस्कवरी है। ऑल्दो जो स्टेटमेंट दिए कि मैंने बी को मारा है, वो स्टेटमेंट इरेलेवेंट है क्योंकि वो पुलिस को दे रहा है, ठीक है ना। ये सेक्शन 27 है, तो हम लोग अब करते हैं नोट्स वगैरह से सेक्शन 27 की। नाउ There are two situations in which confession to police are admitted in evidence. यहाँ पे दो situations हैं जहाँ पर पुलिस को अगर हम लोग confession करें तो वो relevant मानी जाती है। एक तो section 26 कि जब आप पुलिस को confession कर रहे होते हो उस समय magistrate वहाँ पे present होता है, तो वो confession relevant है 26 में। 27 में जो confession आप पुलिस को दे रहे होते हो और on that भी अगर कोई recovery हो रही है, कोई वेपन्स की रिकवरी होगी, कोई ऐसी चीज की रिकवरी होगी, तो वो रेलिवेंट है, चाहे डेड बॉडी की रिकवरी क्यों ना हुई हो। डेड बॉडी कहाँ पे छुपा के रखी सिर्फ आपको पता है, आपकी स्टेटमेंट से वो डेड बॉडी रिकवर हो गई, दैट इज रेलिवेंट। कुछ ना कुछ रिकवरी चाहिए, ठीक है जी। तो वो सिर्फ ओनली रिकवरी इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 27, बट दैट रिकवरी मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है जी। नाउ यहाँ पर एक केस था फुलकारी कोत्या वर्सेस एम्परर का, ये इंपॉर्टेंट केस है जी। फुलकारी कोत्या वर्सेस एम्परर का ये इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 27 में, ठीक है जी। इस केस में क्या हुआ था, एपिलेंट जो था उसको गिल्टी था वो मर्डर का, एंड मेड सम कन्फेशन टू द पुलिस कस्टडी क्योंकि उस पर मर्डर का एलिगेशन था, तो उसने पुलिस को कन्फेशन स्टेटमेंट दी। अब वो कन्फेशन स्टेटमेंट क्या, वो ध्यान से सुन लेना, स्टेटमेंट क्या दे रहा है, आई कोत्या, मीन्स उसका नाम क्या है, कोत्या। वो कह रहा है मैं कोत्या एंड अदर्स, मेरे साथ और भी पर्सन थे, हमने क्या किया, बीट शिवया एंड सुभया टू डेथ, हमने शिवया और सुभया को दोनों को पीट पीट के जान से मार डाला। आई हिट द स्पेयर एंड माई स्टिक इन द रिक ऑफ माई विलेज, जो उसका हथियार था, जिस हथियार से मैंने स्पेयर से जो लाठी से जो स्टिक स्टिक्स थी जिससे हमने उसको मारा था, वो मैंने कहाँ पे छुपा के रखी है, अपने गांव में, ठीक है जी। एंड आई विल शो यू इफ यू कम विद मी, मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ जहां पे मैंने उसको हिट करके रखा हुआ है, हाइड करके रखा है, छुपा के रखा हुआ है। तो वो प्लेस किसी को नहीं पता, ठीक है जी। तो फुलकारी कोत्या ने जो स्टेटमेंट दी थी कि मैंने और मेरे साथ जो दूसरे पर्सन थे, हम दोनों ने स्पेयर्स और डांग वगैरह जो थी हमारी स्टिक थी उससे सुभाया और उसको मारा, दोनों को पीट पीट के मारा, वो तो इरेलेवेंट है क्योंकि वो कन्फेशन टू द पुलिस है, वो इरेलेवेंट है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ स्टेटमेंट उसने फर्दर क्या बोला कि जो स्पेयर है, जो डांग वगैरह, जो स्टिक है, वो हमने छुपा के गांव में रखी हुई है कहीं, वो सिर्फ हमें पता है, सिर्फ हमें ही पता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ स्टेटमेंट अगर वो स्पेयर, अगर वो स्टिक्स वगैरह मिलती है, बैंबू स्टिक मिलती है, तो वो रेलेवेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इरेलेवेंट स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी अलग करता हूँ। इरेलेवेंट स्टेटमेंट क्या है कि आए कोते हैं अदर बीट सोया एंड सोया टू डेथ, ये तो इरेलेवेंट है, जिसमें वो कन्फेशन कर रहा है कि हमने मारा है, वो इरेलेवेंट है। रेलेवेंट क्या है, आई हिट द स्पेयर एंड स्टिक्स इन द रिक ऑफ माई विलेज, जो स्पेयर है वो स्टिक है हमने गाँव में कहीं छिपा के रखी हुई है, एंड आई विल शो यू इफ यू कम, ये रेलेवेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट से कोई चीज रिकवर हुई है, ठीक है। अब इतनी सी स्टेटमेंट रेलेवेंट है, ठीक है जी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये लीडिंग केस है हमारा, फुलकारी कोत्या वर्सेस एम्परर का लीडिंग केस है, राइट। फर्दर प्रभु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्रभु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एआईआर 1963 सुप्रीम कोर्ट 1113, ठीक है जी, पेज नंबर है। अ स्टेटमेंट लीडिंग टू डिस्कवरी मींस ऐसी स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट के बिहाफ पे कोई चीज डिस्कवरी हुई है, लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ ब्लड स्टेन एक्स
और क्लोथ एक्सेट्रा वॉज हेल्ड एडमिजिबल। हाँ जी, उसने कन्फेशन किया, ठीक है, और उसने कहा कि बेसिकली जो ब्लड स्टेन एक्स है, कुल्हाड़ा है जिसपे खून लगा हुआ है, और जो क्लोथ वगैरह है मैंने वो छुपा के कहीं रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के बिहाफ पे पुलिस वालों ने ब्लड स्टेन एक्स और क्लोथ्स रिकवर किए हैं, वो एडमिजिबल है, ठीक है जी। वॉज हेल्ड एडमिजिबल बट अ स्टेटमेंट टू द पुलिस डेट सच क्लोथ बिलोंग टू हिम, कि वो क्लोथ मेरे हैं, कि जब मैंने उसको मारा था वो एक्स मैंने यूज किया था, और वो जब मैं उसको मार रहा था वो ब्लड मेरे कपड़ों पे लग गया, वो कपड़े मैंने छुपा के रखे हुए हैं, वो इरेलीवेंट है, क्योंकि वो तो उसको बेसिकली कन्फेशन में ले गया ना, तो वो कन्फेशन स्टेटमेंट इरेलीवेंट है। लेकिन उसके यहाँ पे जो रिकवरी हुई है, रिकवरी क्या हुई है, एक्सन क्लोथ, वो रेलिवेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, सिर्फ रिकवरी वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जितना भी कन्फेशनल पार्ट है वो सारा इरेलीवेंट है। हाँ जी, और ओके, फर्दर जो लीडिंग केस है हमारा, एक और लीडिंग केस है, दिस इज लीडिंग केस मोहम्मद इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इनायतुल्ला 1976 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 483। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस, क्योंकि वो लीडिंग केस है हमारा, ठीक है जी। इस केस में क्या हुआ, इट इज इनकरेक्ट टू से दैट व्हेन रिकवरी ऑफ एन इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल इज मेड फ्रॉम द प्लेस विच इज ओपन और एक्सेसिबल टू अदर्स। यहां पर वर्ड क्या गया, ऐसी प्लेस जो ओपन है, जो एक्सेसिबल है टू द पब्लिक, ठीक है जी। इस केस में सिर्फ इतना हेल्ड किया कि अगर कोई अक्यूज पर्सन कन्फेशन स्टेटमेंट देता है, अगर कोई भी कोई अक्यूज पर्सन कन्फेशन स्टेटमेंट देता है, अगर कन्फेशन स्टेटमेंट अगर उसके बेस पे रिकवरी हुई है, लेकिन वो रिकवरी कहां पे हुई है, पब्लिक प्लेस पे, जब वो प्लेस जहां पे वो ओपन प्लेस है, जहां एक्सेसिबल टू द पब्लिक है, पब्लिक को इजीली वहां पे पता था कि वो चीज पड़ी है वहां पे, वो बेसिकली रिकवरी सेक्शन 27 में नहीं मानी जाएगी। ये केस है इनायतुल्ला का, मोहम्मद इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सिर्फ इतना हेल्ड किया था कोर्ट ने, ठीक है जी, कि इट इज इनकरेक्ट टू से दैट व्हेन रिकवरी ऑफ एन इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल इज मेड फ्रॉम अ प्लेस विच इज ओपन एंड एक्सेसिबल टू अदर्स इट वुड विटिएट द एविडेंस, वो एविडेंस खत्म हो जाते वहां पे, वो हम अक्यूज के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो प्लेस ऑलरेडी एक्सेसिबल टू अदर्स है, ठीक है। दूसरे पर्सन भी इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को, यहाँ पे भी स्वॉर्ड पड़ी है, कुल्हाड़ा पड़ा है, ब्लड स्टेन डेड बॉडी पड़ी है, वो सबको पता है, लेकिन वो इसलिए हम लोग इरेलेवेंट मान रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली ओपन और एक्सेसिबल टू अदर्स है। तो वो जो स्टेटमेंट है जिसके बिहा पे रिकवरी हुई है वो भी इरेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। सो द क्रिमिनल द क्रूशियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर द प्लेस वॉज एक्सेसिबल टू अदर्स बट वेदर इट इज ऑर्डिनरी विजिबल टू अदर्स और नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जो मोहम्मद इनायतुल्ला का था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने, जो उसमें क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि जो प्लेस थी वेदर इट इज एक्सेसिबल टू अदर्स और नॉट, ये क्वेश्चन कोर्ट कहते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि पार्क है, पार्क में वो तो एक्सेसिबल टू अदर्स है, सब जाते हैं वहां पे, लेकिन अगर वो पार्क में बिहाइंड द बुशेस उसने छुपा के रखा हुआ वो तो किसी को पता नहीं है, ऑल्दो वो एक्सेसिबल टू अदर्स है। असेसिबल के साथ साथ कोर्ट ने कहा कि हमें विजिबल भी चाहिए, जो रिकवरी हुई है, जो आर्टिकल हुई है, जो रिकवरी हुई है हमारी, वो विजिबल चाहिए, मींस आम जनता जो है वो आर्टिकल्स देख रही है कि वो पड़ा है ब्लड स्टेन क्लोथ, वो स्वॉर्ड ब्लड स्टेन वहां पे पड़ी है, वो अलग बात है चाहे वो इन्फॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जब पब्लिक वहां पर जा रही है उस प्लेस पे तो वो उसको देख रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि वो असेसिबल के साथ साथ विजिबल भी होने चाहिए। अगर वो असेसिबल है लेकिन विजिबल नहीं है तो फिर वो रिकवरी सेक्शन 27 में फॉल करेगी, लेकिन अगर वो असेसिबल भी है और विजिबल भी है, आम जनता को दिख रही है कि वो स्वॉर्ड पड़ी है ब्लड स्टेन, दैट मीन्स इट्स अ ड्यूटी, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है जी। तो अगर वो पब्लिक अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही तो
इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन 27 में वो रिकवरी रेलेवेंट होगी, रेलेवेंट है इफ द प्लेस इज एक्सेसिबल एंड विजिबल। वो विजिबल क्या है, जो प्रॉपर्टी रिकवरी की है, आर्टिकल्स रिकवरी किए हैं, अगर वो विजिबल है तो वो रिकवरी सेक्शन 27 में फॉलो नहीं करेगी। डन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट केस, मोहम्मद इनायतुल्ला वर्सेस महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट केस है जी। ठीक है जी। देन फर्दर, क्योंकि सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजली क्या होता है पुलिस वगैरह यूज करती है इसको, हर केस में इसको यूज किया जाता है। पुलिस की हर फाइल उठा के देख लो सेक्शन 27 की स्टेटमेंट होगी हो। ठीक है, सपोज मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, ए रोड पे जा रहा था, ठीक है, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ कि शक हुआ पुलिस वालों ने, पुलिस वालों को शक हुआ, उसने उनको पकड़ा, उनसे पूछा कि हाँ भाई आप अपने मोटरसाइकिल की आरसी दिखाओ, वो दिखा नहीं सका, कहता मेरे पास है नहीं, पुलिस को शक हुआ कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसको पुलिस लॉकअप पे ले गए और फर्दर वहाँ पे पुलिस वाले को उसने स्टेटमेंट दी कि जो चार व्हीकल्स है जो मैंने चोरी किए थे वो मेरे घर पे हैं, एक रूम में, उसने मेरे को पता है, होगी ना रिकवरी, वो कन्फेशन कर रहा ना मैंने चोरी किए हैं, वो तो रीड आउट होगी नहीं, वो तो इरेलेवेंट है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ स्टेटमेंट जो व्हीकल्स की रिकवरी हुई है वो तो इंपॉर्टेंट है ना, तो सेक्शन 27 में इरेलेवेंट है क्योंकि रिकवरी होगी वहां पे। तो यूजली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। फर्दर जो केस है हमारा, बोधराज एलियस बोधा, हाँ जी, ये केस है हमारा बोधराज एलियस बोधा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ए 2002 सुप्रीम कोर्ट 3164। इस केस में क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट ऑफ बेसिकली इसमें सेक्शन 27 का ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, वाज टू परमिट अ सर्टन पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड टू पुलिस ऑफिसर एडमिसिबल इन एविडेंस। देखो अगर हम लोग हर चीज जो पुलिस को बता रहे हैं अगर वो सारी चीज हम लोग इरेलेवेंट कर दें तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। तो स्प्रीम जो एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 27 है उसका पर्पस यही है कि कुछ स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, जो कन्फेशन की कुछ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है वो हम लोग रिलेवेंट बना दें सेक्शन 27, ताकि कुछ एडमिसिबल चीजें हैं जो बेसिकली ये फैक्ट जो है वो रिलेवेंट है। रिलेवेंट तो है ना कि मैंने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन वो एडमिसिबल नहीं है सेक्शन 26-25 में, वो रिलेवेंट नहीं है क्योंकि पुलिस को बता रहा है वो, ऑल्दो रिलेवेंट तो है ना बट एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो हम लोग कहते हैं बस इट्स टोटली इरेलेवेंट थिंग, चाहे वो पुलिस, क्योंकि पुलिस आपके अगेंस्ट वो प्रूफ नहीं कर सकती। तो फर्दर जो थी बेसिकली सेक्शन 27 का पर्पस सिर्फ इतना था कि जो हमने कन्फेशन स्टेटमेंट किए हैं उसमें से कुछ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट हम लोग एडमिसिबल बना दें ताकि बेसिकली केस को प्रूफ किया जा सके। अक्यूज के अगेंस्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सेक्शन 27 का सिर्फ पर्पस इतना सा था, was to permit a certain portion of statement made by an accused to police officer admissible in evidence whether or not such statement is confessional or non-confessional। हमें नहीं पता है कि वो statement confessional थी या non-confessional थी, लेकिन उस statement के बिहाफ पे recovery जरूर हुई है, वो recovery important है हमारे लिए। हमने नहीं देखा कि वो confessional statement थी या non-confessional थी, लेकिन वो पुलिस को बता रहा है अगर वो उसके basis पे recovery हुई है तो वो important है section 27 में। ठीक है जी। सो सच अ डिस्कवरी इज अ गारंटी दैट द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द प्रिजनर इज ट्रू। जो अक्यूज्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है अगर उस इंफॉर्मेशन की बिहाफ पे रिकवरी हो रही है तो वो तो बिल्कुल प्रूफ कर रही है ना कि वो उसकी जो जो स्टेटमेंट थी वो सही है, क्योंकि रिकवरी हो गई, तो ये एडमिसिबल नेचर का। पर्पस सिर्फ इतना सा था कि जो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको रिलेवेंट हम लोग बना दें। ठीक है जी। फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश का केस हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश
2000 फर्स्ट वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट केसेस 471 पेज, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये इंपॉर्टेंट है जी, काइंडली ध्यान से सुन लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हुआ था कि ना डेड बॉडी वॉज रिकवर्ड, यहाँ पर डेड बॉडी रिकवर हुई है, यहाँ पर आर्टिकल रिकवर नहीं हो रही, यहाँ पर डेड बॉडी रिकवर हो रही है। सो व्हेन अ डेड बॉडी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ प्लेस पॉइंटेड आउट बाय द अक्यूज्ड, पॉइंटेड आउट बाय द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड ने वो जो प्लेस थी वो पुलिस को बता दी कि यहाँ पर मैंने डेड बॉडी छुपा के रखी है, और पुलिस ने वहां से डेड बॉडी रिकवर कर ली, ठीक है जी। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये केस इतना इंपॉर्टेंट है, ये 27 को बिल्कुल डिफाइन कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 27 का मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर क्या रिकवरी हुई है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुरेश से डेड बॉडी रिकवर हुई है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो क्या है, दैट ही हिमसेल्फ वुड हैव कंसील्ड द बॉडी। पहला क्वेश्चन दिमाग में आया सुप्रीम कोर्ट के कि इसी डेड बॉडी कंसील की होगी, छुपा के रखी होगी, फर्स्ट क्वेश्चन रेज हो गया। सेकंड क्वेश्चन दैट ही कुड हैव सीन समबडी एल्स कंसीलिंग इट। दूसरा क्वेश्चन आया कि शायद इसने किसी को देखा होगा डेड बॉडी को छुपाते हुए, अब वो इसे स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस को, ठीक है। पहला क्या था कि इसने खुद ने बॉडी छुपाई होगी, दूसरा क्वेश्चन क्या, इसने देखा होगा किसी को कि उसने बॉडी छुपाई है, इसलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थर्ड पॉइंट दैट ही वुड हैव बीन टोल्ड बाय अनदर पर्सन। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा क्वेश्चन कि किसी ने इसको बताया होगा, अब ये इन्फॉर्म कर रहा है पुलिस को। अब तीन पोस्ट हो गए, पहला उसने खुद ने छुपाई होगी, दूसरा उसने देखा होगा किसी को छुपाते हुए, तीसरा उसको किसी को किसी से पता लगा कि डेड बॉडी वहां पे छुपा के रखी है, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब तीन पॉइंट हो गए, अब तीनों पॉइंट में से इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट केस ये हमारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, बट इफ द अक्यूज डिक्लाइन टू टेल द क्रिमिनल कोर्ट दैट हिज नॉलेज अबाउट द कंसीलमेंट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ वन ऑफ द लास्ट टू पॉसिबिलिटीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, उसने खुद ने कंसील की, सेकेंड क्या था, उसने देखा किसी को कंसील करते हुए, थर्ड पॉइंट क्या था, उसको पता लगा किसी से कि कोई वो डेड बॉडी वहां पर छुपा के रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पर्सन कोर्ट को नहीं बताता कि मैंने किसी को देखा है छुपाते हुए डेड बॉडी, या मुझे किसी से पता लगा है, अगर ये नहीं बताता तो कोर्ट कहती है हम लोग मार के चलेंगे, आपने खुद ही डेड बॉडी वहां पे कंसील की थी, ठीक है, सिंपल है, आपकी स्टेटमेंट से रिकवर हुई है, आप उसको एक्सप्लेन करो, यू हैव टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट। सेक्शन एटिया कहता है स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट, ठीक है। अब उस कंडक्ट को बेसिकली आप उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर लो कि आपको कैसे पता लगा, कोर्ट कहती है अगर आप सेकंड पॉइंट में फॉलो करके, अगर आप थर्ड पॉइंट में फॉलो करके फिर तो ठीक है, अगर आप उसको नहीं बता रहे, हमें क्रिमिनल कोर्ट को आप नहीं बता रहे कि आपको कैसे पता लगा, तो हम लोग मान के चलेंगे, वी प्रज्यूम कि आपने ही डेड बॉडी छुपाई है, ठीक है, ठीक है जी। सो बट इफ द अक्यूज डिक्लाइन टू टेल द क्रिमिनल कोर्ट दैट हिज नॉलेज अबाउट द कंसीलमेंट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ वन ऑफ द लास्ट टू पॉसिबिलिटीज, द कोर्ट कैन प्रज्यूम That it was concealed by the accused himself, कि उसने खुद ने ही छुपाई है, अगर वो नहीं बता रहा या नहीं बताना चाहता तो हम लोग मार के चलेंगे कि उसने डेड बॉडी खुद ने छुपाई है। रीजन क्या है, क्यों हम लोग प्रजम्पशन ले रहे हैं, क्यों कोर्ट प्रज्यूम करेगी, वाई? तो रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज द अक्यूज्ड इज ओनली पर्सन हु कैन ऑफर द एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ ही कम टू नो ऑफ सच कंसीलमेंट। कोर्ट कहती सिर्फ ये अक्यूज्ड ही है जो हमें बता सकता है कि उसको कहां से इंफॉर्मेशन मिली, क्या उसने खुद ने देखा, या उसने खुद ने देखा या खुद ने छुपाया, तो ये सिर्फ अक्यूज को ही पता है। अगर वो नहीं बताना चाहता तो डेफिनेटली हम तो ये मान के चलेंगे कि वो डेड बॉडी अक्यूज ने ही कंसील की थी, क्योंकि डेफिनेटली अक्यूज की स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही हमने वो डेड बॉडी रिकवर की है। अब कोई और थोड़ी ना बताएगा कि हाँ भी इसने देखा होगा या उसने वो, तो डेफिनेटली वो अक्यूज्ड ही उसको एक्सप्लेन करेगा ना कि उसको कैसे पता लगा। अगर वो नहीं एक्सप्लेन करना चाहता तो कोर्ट का भी यही एक रीजन है कि हम लोग प्रज्यूम करेंगे कि हम कि वो जो अक्यूज पर्सन है उसने खुद ने ही वो डेड बॉडी कंसील की होगी, ठीक है जी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पर तीन पॉइंट रेज हुए और तीनों को जो जवाब दिया वो प्रजम्पशन में दिया कोर्ट ने, ठीक है जी। तो दिस इज सेक्शन 27 और ओके सेक्शन 24 हमने क्या किया था, कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर दैट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट इज नॉट रेलेवेंट,
सेक्शन 28 में हमने क्या किया था कि जो थ्रेट है, जो प्रॉमिस है, अगर ड्यूज में वो खत्म हो गई है और उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो कन्फेशनल, वो रेलेवेंट है। तो सेक्शन 20 हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, तो अभी एक सेक्शन रहेगा 29। ठीक है जी, ये पता लग गया सेक्शन 28। हाँ जी, हाँ जी, सेक्शन 29 ठीक है, सिंपल सा सेक्शन है और उसकी हेडिंग देखें तो वो क्लियर करता है। हेडिंग क्या क्या है, कन्फेशन अदरवाइज जो रिलेवेंट है, मींस अगर आप कन्फेशन करते तो वो रिलेवेंट होती, ठीक है, नॉट बिकम इरेलेवेंट, वो इरेलेवेंट नहीं होगी जस्ट बिकॉज कि वो जो आपने कन्फेशन किया वो अंडर सम प्रॉमिस किया है, ए जो बी के बी का दोस्त था वो दोनों गए बार में बैठे, उन्होंने दोनों ने दो दो ड्रिंक लिए, जो ए था उसने ज्यादा ड्रिंक ले लिए, अब ड्रिंक ले लिए तो वो डेफिनेटली अब हो गया शुरू, है ना। ए ने कहा बी को, यार देख तू मेरा फ्रेंड है, यू आर माय फर्स्ट फ्रेंड, मैं तेरे को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, बट मुझे प्रॉमिस कर दी, वो किसी को बताएगा नहीं, जस्ट मेड माय प्रॉमिस। बी कहता ठीक है, दो ड्रिंक उसने ली थी, कहता मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब ए ने बता दिया कि भाई मैंने तो सी का कत्ल कर दिया है, मेरे पे बोझ है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। बी कहता ठीक है, घर पे चले गए। उसके बाद बी ने जाके पुलिस पे इन्फॉर्म कर दिया कि उसने दोस्ती का कत्ल कर दिया है, केस एस्टेब्लिश हो गया, कोर्ट में गया, बी एविडेंस दे रहा है ए के अगेंस्ट कि भाई उसने तो कन्फेशन किया है मेरे पे, मेरे सामने, तो ए कह रहा है कि मैं तो अंडर द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी किया है, कि मैंने उसको प्रॉमिस, मैंने कहा था कि वो प्रॉमिस करे कि हाँ भाई वो किसी को बताएगा नहीं, तो इसलिए वो कन्फेशन इरेलेवेंट है। कोर्ट कहती सॉरी, अगर वो प्रॉमिस ना किया होता तो वो कन्फेशन रेलेवेंट होती, ऑब्वियसली होती, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी वो अपने आप इरेलेवेंट नहीं होगी, वो रेलेवेंट की रेलेवेंट ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी समथिंग डिफरेंट है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल थ्रेट नहीं है, वो प्ली नहीं ले सकता भी अनकॉन्शियस से हो रही नहीं, सॉरी ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, मैं यहाँ पे वर्ड कर रहा हूँ यूज, अगर आप सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 24 में तो प्रॉमिस वर्ड यूज किया है, लेकिन सेक्शन 24 में जो प्रॉमिस वर्ड यूज किया उसमें कन्फेशन इरेलेवेंट यूज किया है, यही है ना, कन्फेशन इरेलेवेंट है जो अंडर द प्रॉमिस इंड्यूसमेंट और थ्रेट है वो इरेलेवेंट है, लेकिन यहाँ पर रेलेवेंट वर्ड यूज किया है कि जो कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट होती, ठीक है, अगर आप प्रॉमिस ना देते, अगर सिंपल प्रॉमिस, अगर सपोज यहाँ पे बी उसको प्रॉमिस ना देता तो वो ए उसको बता था तो भी रेलेवेंट थी ना, हाँ जी, अगर वो प्रॉमिस के अंडर दिया उसने तो भी रेलेवेंट की रेलेवेंट ही रहेगी, तो वो सेक्शन 24 में फॉल नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, नाउ फर्दर कन्फेशन जो सेक्शन 29 है, बाय मेकिंग अ प्रॉमिस टू द अक्यूज्ड, यहाँ पे अक्यूज्ड को प्रॉमिस किया जा रहा है दैट इट विल बी केप्ट सीक्रेट, मैं सीक्रेट रखूंगा, तू मेरे को बता दे, और डेट एविडेंस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन अगेंस्ट हिम, मैं ये आप जो आप मुझे बताओगे मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, इवन मैं कोर्ट को भी नहीं बताऊंगा, पुलिस को भी बताऊंगा, तो अगर वो वहां पे एक्यूज उसको कन्फेशन कर रहा है तो वो रेलेवेंट की रेलेवेंट ही होगी, रेलेवेंट ही होगी। ठीक है, अब सपोज यहां पर मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली यहां जो स्टेटमेंट कन्फेशन है वो रेलेवेंट है तो वो इरेलेवेंट नहीं होगी कि वो बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के अंदर आ गए लोग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, सेकंड पॉइंट क्या है, बाय प्रैक्टिसिंग अ डिसेप्शन मींस फ्रॉड, आप फ्रॉड कर रहे हो अक्यूज के साथ, क्यों, पर्पस क्या है, ताकि आप कन्फेशन ले सको, फ्रॉड कर रहे हो कि आप कन्फेशन ले सको, आपने एक को कॉल किया, आपको पता था कि ये सच, मतलब जब तक ये कॉन्शियस है ये बताएगा नहीं, ऐसे करते हैं, इसको शराब पिलाते हैं,
क्योंकि शराब में बंदा वैसे ही सब कुछ बिता रहा है, तो वो उसको शराब पिलाता रहा पिलाता रहा पिलाता रहा। जब उसको पूरा दिमाग में शराब ही भर गई तो उसको पता लगा था कि हाँ भी अब ये बताएगा बताएगा, तब उसने बताई। ये प्रॉमिस नहीं है, ये धोखे से ली गई वो है कन्फेशन, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, जब आप धोखे से किसी से कन्फेशन लेते हो तो वो रेलेवेंट की रेलेवेंट ही मानी जाएगी। कोर्ट कहिए अगर आप शराब ना पिलाते अगर वो बताता तो रेलेवेंट थी, रेलेवेंट थी, तो अब वो शराब पी के बता रहा है तो वो रेलेवेंट की रेलेवेंट ही रहेगी, क्योंकि वो सेक्शन 24 में तो फॉल करेगी नहीं, क्योंकि वो इंड्यूसमेंट नहीं है, थ्रेट नहीं है, प्रॉमिस नहीं है। सेक्शन 25 में नहीं फॉल करेगी, वो पुलिस नहीं है। सेक्शन 26 में फॉल नहीं करेगी, वो पुलिस कस्टडी नहीं है, ठीक है। सेक्शन 27 में कोई रिकवरी नहीं हो रही, ठीक है, तो वो नहीं फॉल करी, वो सेक्शन 29 में फॉल करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केस हुआ था आर वर्सेस पाइने, ठीक है जी। वेयर एन अक्यूज्ड वाज पर्सुएडेड टू सबमिट फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अ इनोसेंट पर्पस, हाँ जी, यहां पर अक्यूज्ड को डॉक्टर के पास लेके गए कि तेरे को सिर्फ इंजेक्शन ही दवा, इंजेक्शन थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह करानी है और कुछ नहीं कराना, ठीक है जी। विच वॉज इन फैक्ट कंडक्टेड फॉर क्रिमिनल पर्पस, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, उसमें से जो ब्लड लिया है वो डीएनए के लिए भेज दिया। बात को समझो, मैं थोड़ा सा फैक्ट चेंज करके बता रहा हूं, लेकिन उसका पर्पस आर वर्सेस पाइने का यही है। यहां पर एक अक्यूज जो बेसिकली जिसपे लड़की ने एलिगेशन लगाया था कि लड़की, क्योंकि केसेस वगैरह काफी चेंजेस होते रहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एक लड़की जो अनकॉन्शियस थी, राइट, जो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अनसाउंड माइंड की थी, ठीक है, थोड़ी सी पागल थी, ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थी, उसको इतना पता था कि हाँ भाई किसी ने रेप कमिट किया है, बट वो 3-4% का नाम बता रही है कि इन 3-4 में से एक था। तो पुलिस को बता दिया, पुलिस ने क्या किया, चारों को पकड़ा, कहते हैं कि चलो मेडिकल कराने जाना है आपका, सिर्फ मेडिकल करवाने जाना है। चलो मेडिकल कराते समय उनका जो बेसिकली डीएनए लिया गया बिना बताए, बिना बताए, अब डीएनए लड़की से मैच किया गया, अब वो पकड़ा गया ए कि बेसिकली वो ए था, तो ए ये नहीं कह सकता कि मेरे से धोखे से डीएनए टेस्ट लिया है, ठीक है जी। तो कोर्ट कहती है अगर धोखे से ना लिया तो भी रेलेवेंट था, अब धोखे से लेने तो रेलेवेंट का रेलेवेंट ही होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्थर वर्सेस पाइने में वेयर एन अक्यूज्ड वाज पर्सुएडेड टू सबमिट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको कहा गया कि आप सबमिट करो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर एन इनोसेंट पर्सन, कि आपको हमें इनोसेंट डिक्लेयर करना है, क्योंकि हमें पता है कि आपने वो रेप नहीं कमिट किया, तो आपका डीएनए इसलिए ले रहे हैं कि आपको हम लोग साबित कर देंगे कि आप इनोसेंट हो, धोखा पुलिस द्वारा, ठीक है। तो उसको लेके गए, उसको पता था पुलिस द्वारा कि इसने किया है, वो डीएनए उसके अगेंस्ट वो यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। सो हिज स्टेटमेंट टू द डॉक्टर्स एंड द डॉक्टर्स रिपोर्ट्स वाज वर हेल्ड टू बी रेलेवेंट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है, वो एडमिसिबल होंगी, वो रेलेवेंट की रेलेवेंट ही रहेंगी, ठीक है जी। Then we have a further case, Ali Hussain versus case, Ali versus and Hussain. Ali Hussain case, ठीक है जी, 1966 का ये केस है। इस केस में क्या होता, वेयर टू accused person, यहां पे दो accused person है, were left in a room. उनको रूम में छोड़ा गया, यहाँ पे तो आपने पिक्चर में काफी देखा होगा जब दो अक्यूज पर्सन उसको एक रूम में पकड़ के फेंक देते हैं, वहां पे कैमरा लगा होता है, दूसरी तरफ से ऐसा जो मिरर होता है वो दूसरी तरफ से सब देख रहे होते हैं, सीबीआई वाले वो एक दूसरे से कन्फेशन करते हैं कि यार मैंने मार दिया, तू फंस गया, है ना, हम दोनों ने मिलकर मारा, वहां पे स्टेटमेंट हो गई। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता, अली हुसैन ने दो पर्सन को एक रूम में रखा गया एंड थॉट दे वर ऑल अलोन, और उनको पता था कि हम लोग इस रूम में सिर्फ हम लोग अकेले हैं, बट वहां पे कैमरा लगा हुआ था, उसको पता नहीं था, सीक्रेट कैमरा थे। सो बट सीक्रेट टेप रिकॉर्डर या सीक्रेट कैमरा वर रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन, जो वो एक दूसरे से बात कर रहे थे वो रिकॉर्ड हो गई,
वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई, वो थी कन्फेशन वाली स्टेटमेंट, तो वो रेलिवेंट मान लीजिए सेक्शन 29 में। लेकिन लेकिन अगर वो पुलिस की कस्टडी में है तो वो सेक्शन 26 में फॉलो करेगी। सिंपल सुन लो, पहले मैं बता रहा हूं कि अगर दो क्यूज को पुलिस ने पकड़ा, अब वो रूम में फेंक दिया, जाओ वहां पे टेप रिकॉर्ड रखी हुई थी, तो वो तो पुलिस की कंट्रोल में है, वो तो पुलिस की कस्टडी में है, तो वो तो सेक्शन 26 में रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर दो पर्सन खुद एक रूम में बैठे हैं, वहां पे किसी ने टेप रिकॉर्ड रख दी किसी ने, तो डेफिनेटली अगर वो वहां पे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है तो वो रिलेवेंट होगी। ठीक है जी, बट ये देखना कि वो बेसिकली पुलिस कस्टडी में ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर, व्हेन द अक्यूज वाज ड्रंक, जब किसी अक्यूज ने शराब पी हुई है, अगर उस समय वो कन्फेशन कर रहा है, क्या वो रिलेवेंट है या नहीं, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि व्हेन द अक्यूज वाज ड्रंक। तो यहां पे एक केस हुआ था आर वर्सेस सैलिसबरी, हाँ जी, आर वर्सेस सैलिसबरी 1835 7th वॉल्यूम CNP पेज नंबर 187। इस केस में क्या हुआ था, अ कन्फेशन ऑब्टेन्ड बाय इंटॉक्सिकेटिंग द अक्यूज्ड इज इक्वली रिलेवेंट। यहाँ पे भी अक्यूज को इंटॉक्सिकेट सब्सटेंस दिए गए, उसको नशे वाली चीज दी गई, उसको शराब हम लोग कैसे लिखकर उसको दी गई। द लॉ इज कंसर्न टू सी डेट द कन्फेशन इज फ्री एंड वॉलंटरली। हमारा लॉ क्या कहता है कि हमने तो सिर्फ इतनी सी देखनी है कि वो वॉलंटरली हो, वो फ्री हो, बस कन्फेशन वो फ्री हो, वो वॉलंटरली हो, वो अंडर थ्रेट ना हो, अंडर प्रॉमिस ना हो, अंडर इंड्यूसमेंट ना हो, बस इतना हमें चाहिए। अगर आप शराब पिलाकर उसको लिक्वर पिलाकर उसको इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस देकर आप उससे कन्फेशन ले रहे हो, अगर वो कन्फेशन थ्रेट नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं है, तो वो रेलिवेंट होगी सेक्शन 29 में। ठीक है जी, ठीक है। और फर्दर जो लास्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन 4th को आया, इसमें अगर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कोई चीज हो, इन आंसर टू क्वेश्चंस विच ही नीड नॉट टू हैव आंसर, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसके लिए अक्यूज्ड लायबल नहीं कि वो आंसर दे, ही इज नॉट बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन, तो तब क्या होगा, दिस प्रिंसिपल सप्लाइज ऑनली टू एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन। ठीक है जी, दैट इज टू से कन्फेशन विच आर मेड आउटसाइड द कोर्ट टू अ प्राइवेट पर्सन, सच ए कन्फेशन इज रिलेवेंट इवन इफ द अक्यूज्ड वाज नॉट वार्न्ड दैट ही वाज नॉट बाउंड टू आंसर सच क्वेश्चन और दैट हिज आंसर विल बी यूज्ड इन एविडेंस अगेंस्ट हिम। ये जो मैं हेडिंग बता रहा हूं कि इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट टू बी आंसर्ड, ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर के लिए जो क्यूज बाउंड नहीं है कि वो आंसर दे, अगर ये जो सर्कमस्टांसेस है बेसिकली हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करें, कोर्ट से बाहर। ठीक है जी, अगर कोर्ट से बाहर आप किसी को कन्फेशन कर रहे हो, वो पुलिस वाला नहीं है, ठीक है जी, किसी को भी कन्फेशन कर रहे हो, तो अगर आप कन्फेशन कर रहे हो तो वो रिलेवेंट होगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वो कन्फेशन किया था, उसको जो बताया था तो मैंने उसको कहा था कि भाई आप मुझे आप किसी को बताना मत, जहां उसने मुझे वार्न ही नहीं किया, जब मैंने कन्फेशन स्टेटमेंट दी उसको तो उसने मुझे वार्न ही नहीं किया। वो मुझे वार्न करता कि भाई अगर आप कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहे हो तो मैं आपको ये जो कन्फेशन स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट यूज करूंगा कोर्ट में, आपने वार्न ही नहीं किया, इसलिए वो कन्फेशन रिलेवेंट है कोर्ट के लिए, सॉरी वो रिलेवेंट की रिलेवेंट ही रहेगी। ठीक है जी, सो दिस इज सेक्शन 29। ठीक है जी, ऑल ओके। नाउ सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है हमारा, सेक्शन 30। ठीक है जी, कन्फेशन ऑफ कोक्यूज। Confession of co-accused.
ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली अगर एक पर्सन ने कन्फेशन कर दी, यहां पर सपोज, हाँ जी, ए बी एंड सी तीनों को पकड़ा गया, तीनों पे मर्डर का चार्ज लगाया गया कि आपने डी का मर्डर किया है, तीनों पे मर्डर का चार्ज था, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम है कि जब एक्चुअल फैक्ट था उसमें क्या फैक्ट था कि ए बी सी डी एंड ई ये पांच पर्सन थे, ठीक है, इन पांचों ने, उनका ऑब्जेक्ट क्या था कि डी को मारना है, इसलिए ए बी सी डी ई ने डी को मार डाला, लेकिन डी और ई अभी पकड़े नहीं गए, पुलिस ने सिर्फ तीन पर्सन को अरेस्ट किया है और तीन पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो 173 की थर्ड क्लॉज है हमारी जो सीआरपी, उसमें फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी कोर्ट में अगेंस्ट ए बी एंड सी कि इन कुछ उसमें जो मर्डर का एलिगेशन था कि ए बी सी डी और ई पांचों ने उस डी का मर्डर किया था, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो थे जो मर्डर के चार्ज तो लगेंगे 302 149 148, ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट सेक्शन लगेंगे उस पे एक्यूज पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रायल किसका है, ए बी और सी का, तीनों का ट्रायल है, यहाँ पे ए बी सी ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी कि हमने और डी और ई ने सबने मिलकर डी को मार डाला। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्टेटमेंट है अक्यूज की वो को अक्यूज में भी अप्लाई होगी, ये इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 30 क्या कह रहा है, व्हेन अक्यूज्ड रिकॉर्ड्स अ कन्फेशन इंप्लिकेटिंग हिमसेल्फ एज वेल एज अदर को अक्यूज, अगर वो ऐसी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है जिसमें वो खुद अपने आप की इन्वॉल्वमेंट या दूसरों जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है कि हमने क्राइम किया मिलकर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कन्फेशन ऑफ को अक्यूज, हम उसको कहेंगे वो बेसिकली कन्फेशन को अक्यूज की भी दे रहा है साथ में, लेकिन वो रेलेवेंट है या नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो जो स्टेटमेंट है बेसिकली द सेक्शन सिंपली सेज दैट सच कन्फेशन मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, हाँ जी टेकन इनटू कंसीडरेशन, बट द सेक्शन डज नॉट से दैट द कन्फेशन इज अमाउंट टू प्रूफ, क्लियरली देयर मस्ट बी अदर एविडेंस, द कन्फेशन इज ओनली वन एलिमेंट इन द कंसीडरेशन ऑफ द ऑल अदर फैक्ट प्रूव्ड इन द केस and it can be put in the scale and weighted with the other evidence. Court कहती है कि देखो एक को अक्यूज की जो कन्फेशन है वो दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ प्रूफ अगेंस्ट अदर को अक्यूज पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए, अगर ए ने कन्फेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन स्टेटमेंट ऑफ ए वी कैन नॉट कन्विक्ट बी एंड सी, दिस इज द जनरल रूल, ये जनरल रूल है कि अगर ए ने कन्फेशन किया कि हमने सबने मिलकर डी को मारा मारा तो कोर्ट ए को तो कन्विक्ट कर देगी कि चलो आप तो जाओ पहले जेल में, बी सी डी ई के अगेंस्ट हमें केस प्रूफ करना होगा, इट इज नॉट कि सिर्फ एक कन्फेशन की स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप सबको मार डालो, वो हो सकता है वो जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दे रहा हो कि मैंने तो मरना ही मरना ये भी मर जाए, ठीक है, तो कोर्ट कहती है कि नो डाउट हम उसकी जो कन्फेशन स्टेटमेंट उसको ध्यान में रखेंगे लेकिन दूसरे फैक्ट प्रूव करेंगे, अगर हो गए वो क्रॉबरेट कर गए तो हम लोग उनको सजा देंगे, अदरवाइज हम लोग कन्विक्शन नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, ये इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन जो सेक्शन 30 है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, सेक्शन 30 को आप सुन लो समझ लो ध्यान से, ये जॉइंट ट्रायल की बात कर रहा है, ठीक है जी। सेक्शन 30 क्या कर रहा है, जॉइंट ट्रायल मीन जिस अक्यूज का जॉइंट ट्रायल ही नहीं है वो कन्फेशन स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट यूज ही नहीं कर सकते, यहां पर जॉइंट ट्रायल किसका है, ए बी और सी, ये तीनों का जॉइंट ट्रायल है ना, अगर ए ने सपोज यहां पर ए ने कन्फेशन स्टेटमेंट दे दी कि मैंने बी सी डी इन्हें मिलकर डी को मार डाला, तो सेक्शन 30 कह रहा है कि जिनका जॉइंट ट्रायल है उनके अगेंस्ट हम लोग कन्फेशन स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, मीन उनके इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ अगेंस्ट बी एंड सी, ऑल्दो
कोर्ट उस कन्फेशन को बी और सी के अगेंस्ट ध्यान में रखेगी, टेकन इनटू कंसीडरेशन वर्ड यूज किया है। कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ कंसीडरेशन को ध्यान में रखेगी। अगर ये कन्फेशन स्टेटमेंट और दूसरे एविडेंस बी और सी के अगेंस्ट प्रूफ हो गए, क्रॉबरेट हो गए, तो बी और सी के अगेंस्ट हम लोग कन्विक्शन का ऑर्डर सुना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कन्विक्शन बी और सी की नहीं सुना सकते। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन स्टेटमेंट ऑफ बाय ऑफ वन अक्यूज्ड वी कैन नॉट कन्विक्ट बी एंड सी, बी और सी को हम लोग नहीं कन्विक्ट कर सकते। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। डी ते ई जितना जब पढ़े नहीं आते, ठीक है। हाँ जी, अब डी और ई जब पकड़े जाएंगे तो उसका सप्लीमेंट्री चलान आएगा, सप्लीमेंट्री, क्योंकि मेन चलान तो आ गया ना, मेन रिपोर्ट तो आ गई, ये सप्लीमेंट्री रिपोर्ट होगी 173(8) क्लॉज सीआरपीसी, सप्लीमेंट्री चलान, ठीक है। पुलिस का सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट, ये तो फाइनल रिपोर्ट होगी, वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आएगी अंडर सेक्शन 173(8) क्लॉज सीआरपीसी, वो सप्लीमेंट्री चलान होगा अगेंस्ट डी एन ई, तो इसको फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये एक ही कन्फेशन स्टेटमेंट इनके अगेंस्ट तो वैसे भी यूज कर सकते क्योंकि वो जॉइंट ट्रायल था, लेकिन बी और सी के अगेंस्ट हम लोग यूज तो करेंगे, लेकिन कोर्ट सिर्फ उसको ध्यान में रखेगी। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ अगेंस्ट बी एंड सी, द कन्फेशन ऑफ ए इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ अगेंस्ट बी एंड सी, बट कोर्ट मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द केस। इफ देर आर अदर एविडेंस, इफ देर आर अदर एविडेंस विच क्रॉबोरेट द कन्फेशन ऑफ, तो वो बेसिकली कोर्ट वहां पे उस बी और सी को कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। अगर वहां पे बी और सी के अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं है, सिर्फ एक ही कन्फेशन है, तो हम बी और सी को कन्फेशन में सिर्फ एक ही कन्फेशन के अगेंस्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? अगर एविडेंस ही नहीं है, बी और सी के अगेंस्ट अदर एविडेंस है ही नहीं, तो क्या एक ही कन्फेशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट हम बी और सी को कन्वर्ट कर देंगे? नो। सेक्शन 30 का पर्पज क्या है? ज्वाइंट ट्रायल। अगर ए ने कन्फेशन किया है तो बी और सी के अगेंस्ट हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे, अगर अदर एविडेंस हमारे फाइल में आ गए तो बी सी को कन्विक्शन कर लेंगे, अगर बी सी के अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं आया तो वो कन्फेशन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम बी सी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग, वो सिर्फ ज्वाइंट ट्रायल पर्सन के एप्लीकेबल होगी, जो जिनका ज्वाइंट ट्रायल ही नहीं है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए बी सी डी ई ने मिलकर डी को मार डाला, अब एट देन उस समय बी और सी दोनों जुवेनाइल थे, ठीक है जी। अब जुवेनाइल थे तो डेफिनेटली वो जो केस है वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो चिल्ड्रन कोर्ट में जाएगा, उनका सेपरेट ट्रायल होगा। अब यहां पे ए ने कन्फेशन कर दी, वो तो फिर इसका तो ट्रायल ही ज्वाइंट नहीं रहा, वो तो सेपरेट हो गया, तो डेफिनेटली एक ही कन्फेशन हम लोग बी और सी जो जुवेनाइल है उनके अगेंस्ट हम यूज ही नहीं कर सकते, वो तो कोर्ट कंसिडर भी नहीं करेगी, क्योंकि सेक्शन 30 में क्या है, ज्वाइंट ट्रायल, कोई बयान कंसीडर नहीं होता, ज्वाइंट ट्रायल मतलब हमें सिर्फ ज्वाइंट ट्रायल चाहिए, तब कोर्ट जाके कंसीडर करेगी, अदरवाइज कंसीडर करेगी नहीं, जहां पे ज्वाइंट ट्रायल नहीं है लिव इट। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 30 एंड द एंड ऑफ द कन्फेशन। एक टॉपिक लास्ट रहेगा हमारा, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। हाँ जी, ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये सेक्शन समझ लग गए होंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन का होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।